दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल, जडेजा और अश्विन को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन 100 रन पर गिर गए भारत के 6 विकेट, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल ने पूरा पलटा मैच। लेकिन फिर अंत में आकर रविंद्र जडेजा और अश्विन ने छक्के चौकों की बरसात करके जड़ दिया शतक। आखिर भारत की होश उड़ा देने वाली पूरी बल्लेबाजी तो भारत बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की हाईलाइट वीडियो में तो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, जडेजा और अश्विन में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन सफलतापूर्वक खेला जा चुका है और दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस नहीं जीता था। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये था कि नजमुल हुसैन शांटू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो ऐसे में दोस्तों पिच पर ओवरकास्ट कंडीशंस बनी हुई थी और एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पर ओवरकास्ट कंडीशंस को देखते हुए यह फैसला नजमुल हुसैन शांटू का बिल्कुल सही भी साबित हुआ। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जब भारत की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। अब दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए यहाँ 14 रन जोड़ लिए थे। तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था और लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही रोहित शर्मा को हसन महमूद ने छठे ओवर की पहली गेंद करवाई तो दोस्तों यहाँ पर रोहित बिल्कुल पूरी तरह से भौचक्के हो गए और वो ऑफ स्टंप की गेंद को छोड़ने की बजाय अपना बल्ला अड़ा बैठे। जहाँ खामियाजा ये हुआ कि नजमुल हुसैन शांटू जो कि स्लिप में खड़े हुए थे उन्होंने यह कैच पकड़कर भारतीय कप्तान को पवेलियन की राह दिखा दी और दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। अब ये पहला बड़ा झटका जब टीम इंडिया को लगा तब 14 रन का कुल स्कोर बस भारत की टीम का बना था। अब यहाँ यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतरे। जहाँ यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए अब ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल का खराब फॉर्म एक बार फिर से जारी रहा और 8वें ओवर के तीसरी ही गेंद पर लिटन दास के हाथों वो भी कैच दे बैठे और यहाँ हसन महमूद ने एक और विकेट लेकर भारत की टीम पर दबदबा बना दिया। अब 28 रन का कुल स्कोर बन पाया था और भारत की टीम ने अपने दो बड़े विकेट गंवा दिए थे। टीम इंडिया पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी क्योंकि दोस्तों ऐसा लगने लगा कि अब भारत की टीम वापसी कर नहीं पाएगी और ये सच भी हुआ क्योंकि यहाँ यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए विराट कोहली उतरे और विराट कोहली भी 6 रन बनाकर हसन महमूद को ही अपना विकेट दे बैठे और यहाँ 3 बड़े विकेट भारतीय टीम के 34 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे और विराट कोहली यशस्वी जायसवाल के बीच भी है साझेदारी मात्र 6 रन की हो पाई थी। अब दोस्तों यहाँ से भारतीय टीम लड़खड़ानी शुरू हो गई लेकिन अब यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने लंच काल तक अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। दोनों बल्लेबाजों ने 62 रन की साझेदारी को अंजाम दिया और भारत के स्कोर को 96 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत ने हसन महमूद के 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया। जी हाँ दोस्तों, हसन महमूद को यह चौथी बड़ी सफलता मिली और यहाँ पर ऋषभ पंत को उन्होंने लिटन दास के हाथों कैच आउट करवा दिया। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि इस गेंद से ठीक पहले ऋषभ पंत ने सेम ऐसे ही हार्ड लेंथ गेंद पर चौका बटोरा था और दोस्तों फिर से हसन महमूद ने यही इसी लेंथ पर गेंदबाजी करवाई और दोस्तों खामियाजा ये हुआ कि ऋषभ पंत इस गेंद पर पूरा शॉट लगाने के लिए तो गए लेकिन तब तक वो काफी लेट हो चुके थे और दोहरे चरित्र से ये शॉट उन्होंने खेला जिसके चलते यहाँ लिटन दास ने ये कैच पकड़कर ऋषभ पंत को 39 रन पर ही आउट कर दिया और अपनी 39 रन की पारी में उन्होंने 6 चौके लगाए। अब दोस्तों ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे केएल राहुल। जहाँ यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर अब पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए यहाँ से अच्छा स्कोर जोड़ने का। लेकिन दोस्तों केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल पर अपनी स्लो बल्लेबाजी से इतना दबाव बना दिया कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का ही विकेट गिर गया। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल यहाँ रन भागने की बजाय बस डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे और वो काफी ज्यादा अपना बीच बचाव करने के लिए गए जिसके चलते यहाँ यशस्वी जायसवाल पर बड़ा शॉट लगाने का दबाव बन गया और नाहिद राणा ने इसी का फायदा उठाया। जहाँ यशस्वी जायसवाल ने 42वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना विकेट सादमान इस्लाम के हाथों में थमा दिया और दोस्तों यहाँ 56 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल अपना विकेट खो बैठे।
और अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके लगाए। अब दोस्तों भारत ने 5 बड़े विकेट गवा दिए थे और स्कोर मात्र 144 रन का ही बन पाया था। अब यहाँ केएल राहुल और रविंद्र जडेजा पर हर किसी की निगाहें थी, लेकिन दोस्तों केएल राहुल जैसे ही यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा, उसके अगले ही ओवर में अपना भी विकेट खो बैठे और मेदी हसन मिराज ने जाकिर हसन के हाथों शॉर्ट लेग की तरफ कैच आउट करवा दिया। और दोस्तों यहाँ केएल राहुल मात्र 52 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन ही बना पाए और इसी के साथ टीम इंडिया 144 रन पर अपने 6 बड़े विकेट गवा देती है। अब यहाँ रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन पर पूरा दारोमदार था 200 रन के पार अपनी टीम को लेकर जाने का। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अश्विन ने ठान लिया था कि वो अपनी इसी तरह की लय से बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ पर अश्विन छक्के चौके लगाने की पूरी कोशिश करते चले जा रहे थे और यहाँ चायकाल तक भारत की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 48 ओवर तक 176 रन बना लिए थे और इसमें अश्विन ने 21 और जडेजा ने 7 रन बनाए। अब दोस्तों चायकाल जब समाप्त हुआ तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन आए और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने आते संग ठान लिया था कि वो रुकने वाले नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था जब केएल राहुल आउट हुए थे और 144 रन भारत की टीम मात्र बना पाई थी 6 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों ने अगले ही 20 ओवर में 100 रन की साझेदारी करके टीम इंडिया को 250 रन के पार पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक छोर से रविचंद्रन अश्विन का बल्ला चल रहा था तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे थे। दोनों बल्लेबाजों से इसी प्रदर्शन की उम्मीद पूरा देश लगाए बैठा था और दोस्तों आखिरकार इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत भारत की टीम उस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो सकी जहां तक उन्हें जाना था। दरअसल दोस्तों यहां पर रविचंद्रन अश्विन ने इस दौरान अपना अर्धशतक मात्र 53 गेंदों में पूरा किया तो वहीं रविंद्र जडेजा भी फिर पीछे नहीं हटे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अश्विन का साथ निभाया। हालांकि इस दौरान आपको हम बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद, हसन महमूद, नाहिद राणा, मेदी हसन सभी कोशिश कर रहे थे और नई नई रणनीतियां बनाते हुए नजर भी आ रहे थे कि कैसे भी करके इनको आउट करा जाए और एक बार तो अश्विन फंस गए थे और यहां उनका लगभग विकेट नाहिद राणा से छूट गया और वरना अगर वहां कैच लपक लिया होता तो शायद अश्विन 47 रन बनाकर ही आउट हो गए होते। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अश्विन और जडेजा की बदौलत भारतीय टीम मुसीबत से निकलने में कामयाब हो पाई है। बाकी दोस्तों आप सभी यहां पर भारत की बल्लेबाजी देख भी सकते हो और आज पहले दिन का मैच समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 250 के पार स्कोर को पहुंचाया। बाकी आप सभी के सामने पूरा स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है और आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के स्कोर के बारे में और आप क्या मानते हो, क्या भारत की टीम पहला टेस्ट मैच जीतने में कामयाब होगी या फिर नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई हाईलाइट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइएगा। मिलेंगे अगली कुछ ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।